फ्रेंड्स, इन दिनों सोशल मीडिया दो भागों में डिवाइड हो गया है। कुछ लोग सपना के पक्ष में हैं तो कुछ लोग सपना के विरोध में हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सपना कैसी औरत है, बहुत ही नेगेटिव कमेंट्स सपना को किए जा रहे हैं, सपना को बहुत गलत बात बोली जा रही है, क्योंकि कोई सच बात कोई जानता नहीं है, जो सबको दिखता है बस वो वही सोचता है। सपना इन दिनों शिवी अपनी फ्रेंड के घर गई है थोड़ा बहुत अपना मूड फ्रेश करने के लिए, अपनी उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। ऐसे में उनके वीडियोज़ में बहुत ही लोग गंदे कमेंट्स करते हैं कि आप कैसी बहू हो, आप अपने सास ससुर को छोड़ के आ गई, आपने तो अपना रंग दिखा ही दिया, आपके बुरे वक्त में आपके सास ससुर ने आपकी मदद करी और आप तो घूम रही हो इस तरीके से। एक बात बताइए, इंसान को जीना है कि नहीं जीना है? अगर वो नहीं जीना है तो एक बात अलग है, पर अगर उसके बच्चे हैं, उसकी फैमिली है, बच्चों को बड़ा करना है, बच्चों का भविष्य बनाना है, तो एक माँ को जीना पड़ता है। और जीने के लिए इंसान को मूड फ्रेश करना पड़ेगा हर टाइम, वो कमरे के अंदर बैठ के नहीं रो सकता। तो आप लोग अगर सपना से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सपना हर वक्त कमरे के अंदर बैठे बैठे रोती रहे, तो भी आपको ये प्रॉब्लम है कि सपना व्यूज़ के लिए रोना गाना करती है, तो भी आप गलत कमेंट्स करते हो उनके वीडियोस पे। तो सपना अगर थोड़ा बहुत घूमने चली गई अपने दोस्त के घर, अपनी मम्मी के घर में, तो सबको क्यों इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है? सपना अपने सास ससुर की भी तो सेवा करती है, पर वो बात अलग है कि उनकी सास उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करती है कभी कभार, तो उस पर सपना की कोई गलती नहीं है। सपना तो हमेशा अपने सास के इर्द गिर्द ही घूमती है, हमें यही दिखता है। और आप बताना, क्या मैं गलत बोल रही हूँ? सपना को अगर जीना है तो जीने के लिए इंसान को बाहर निकलना, उसको जीने का हक है कि नहीं है कि वो बस ऐसे घुट घुट के मर जाए? अगर वो मर जाती है तो उसको बच्चे को कौन पालेगा? जिनको जाना है वो चला गया, पर उनके बच्चों की जिम्मेदारी क्या कोई लेगा अगर सपना को कुछ हो जाता है? सपना की वैसे ही तबीयत खराब रहती है, उनकी सास भी उनका सपोर्ट नहीं करती है, ऐसे में सपना करे तो क्या करे?